हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं आपका रवि भारद्वाज फ्रॉम रवि हेयर एंड स्किन स्टूडियो से। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा बेला प्रोफेशनल का बॉयल महोगनी कलर कैसे अचीव करें, किस अंडरकोट पे कलर लगाएं। ये सारा इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। आप बने रहिए वीडियो में, मैं मिलता हूँ आपको विद वीडियो। गाइज, बिफोर आफ्टर रिजल्ट देखिए, ऐसे थे हमारे बाल और हमने कैसे किया ये कलर, इस वीडियो में मैं आपको सारा बताऊंगा। सबसे पहले हमने 40 वॉल्यूम प्लस ब्लोंडर लेना है लॉरेल प्रोफेशनल का, और उसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है इक्वल क्वांटिटी में। जितना भी आप ब्लोंडर लेते हो उतना ही आपने वॉल्यूम लेना है, और उसको अच्छे से मिक्स करके बालों के 3 सेक्शन करने हैं, 2 आगे से 1 पीछे से, और सेक्शन वाइज सेक्शन आपने बालों के ऊपर ब्लोंडर लगाना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे आपने हर सेक्शन के ऊपर ब्लोंडर लगाना है, बट नीचे नीचे लगाना है, क्योंकि हम कर रहे हैं ओम्बरे हेयर कलर। जो ओम्बरे हेयर कलर है वो होता है बालों के नीचे, निचली लेंथ के ऊपर, बट हमने लाइन क्रिएट नहीं करनी। लाइन को तोड़ने के लिए हमने स्लाइस करना है बालों को। लाइक हम जब भी ब्रश के साथ कलर लगाएंगे और उसको हम हॉरिजॉन्टली लगाएंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कलर लगाना, ब्लोंडर लगाना, उसको हम वर्टिकल लगाएंगे, देन नीचे आके हम हॉरिजॉन्टल में आएंगे। जैसे ये देखिए मैं लगा रहा हूँ, ऐसे ही आपने लगाना है, और हर सेक्शन के ऊपर आपने फॉइल ज़रूर लगाना है। बिकॉज आपको कौन सा अंडरकोट चाहिए, अगर आपको बहुत कम, जैसे 6 नंबर पे हमने जाना है, तो आपको 6 नंबर का जो अंडरकोट है रेड ऑरेंज है, लाइक ऑरेंज है, तो आपको ऑरेंज के लिए 6 नंबर तक प्री लाइट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको फॉइल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट फॉइल भी करोगे तो वहाँ तक आप अंडरकोट अचीव करोगे। बट मेरे को येलो अंडरकोट चाहिए था, इसलिए मैंने फॉइल लगाया है। बिकॉज आपको पता है जो येलो अंडरकोट है वो इतनी जल्दी अचीव नहीं होता। इन्होंने थोड़ी सी मेहंदी भी लगाई है, जिसके करके हम मुझे फॉइल लगाने पड़ रहे हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारे बालों के ऊपर ब्लोंडर लगाऊंगा। ये देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ, ऐसे मैंने ये नीचे नीचे ब्लोंडर लगाना है, देन ऊपर जो है हमने हॉरिजॉन्टल करना है, लाइक नीचे हॉरिजॉन्टल, ऊपर हम वर्टिकल लगाएंगे, ताकि जो लाइन क्रिएट ना हो, एक लाइन ना बन जाए। मोस्टली होता क्या है कि कई हमने देखे हैं कि कई हमारे साथी जो प्री लाइट करते हैं वो ओके करते हैं, वो लाइन क्रिएट कर देते हैं, जो कि देखने में अच्छी नहीं लगती। और इसको हम करेंगे वेलियाज प्लस ओम्बरे, ऊपर से ये वेलियाज आएगी, लाइक हेयर पेंटिंग होएगी, और नीचे से बहुत ज़्यादा कलर दिखेगा, ऊपर से डार्क होता जाएगा और नीचे से लाइट होता जाएगा। क्यों? बिकॉज हमारे क्लाइंट को चाहिए भी ऐसा कि नीचे से कलर बहुत ज़्यादा दिखे और ऊपर से थोड़ा थोड़ा कम दिखे, तो हम इसी टेक्निक के साथ कलर करते जाएंगे। और जब ये सारे बालों पे कलर लग जाए, फिर हमने वेट करना है अंडरकोट का। और हमने जहाँ से बाल स्टार्ट किया था, जैसे फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट किया था, वहाँ से हमने चेक करके देखना है कि हमारा अंडरकोट आ गया है। अगर अंडरकोट आ जाए तो साथ ही इमीडिएटली हमने बालों को क्लीन करते जाना है। ये देखिए 7 नंबर तक हमारा येलो अंडरकोट आ चुका है, 8 नंबर तक, और इसको मैं अब वॉश करूँगा। इसको अच्छे से हमने वॉश करना है, शैम्पू लगाना है, आपने कंडीशनर बिल्कुल नहीं लगाना। ये देखिए मैं वॉश कर रहा हूँ, और इसको हम शैम्पू ही करेंगे, कंडीशनर नहीं लगाएंगे। देन हमने शैम्पू करने के बाद बालों को करना है टॉवल ड्राई, ताकि बालों के अंदर जितना भी बहुत ज़्यादा पानी है वो निकल जाए। और हम ये जो कलर ले रहे हैं, ये है बेला प्रोफेशनल का वॉयलेट महोगनी हेयर कलर, इसको 20 वॉल्यूम के साथ हम मिक्स करेंगे, और अच्छे से मिक्स करना है ताकि प्रॉपर क्रीम बन जाए। देन हमने यहाँ यहाँ पे प्री लाइट किया है, वहाँ वहाँ पे हमने कलर लगाना है। ये देखिए जिस पोर्शन पे हमने प्री लाइट किया है, उस पोर्शन पे हमने अच्छे से कलर लगाना है, लाइक थोड़ा सा ऊपर, जितना हमने प्री लाइट किया उससे थोड़ा सा ऊपर हमने कलर लगाना है। अगर आप सारे बालों पर भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, उस वैसा भी आप कर सकते हो, बट मेरे क्लाइंट को ऊपर से डार्क ही चाहिए था, नीचे से कलर चाहिए था, तो इसलिए मैंने वहीं पे कलर लगाया है, यहाँ पे हमने प्री लाइट किया था। जैसे ही आपने पूरे सेक्शन वाइज सेक्शन कलर लगाना है, जब आपका कलर लग जाए अच्छे तरीके से, पूरे सेक्शन पूरे बालों पे कलर लग जाए, देन आपने 15 मिनट के लिए वेट करना है, 15 मिनट के लिए कलर लगा के छोड़ देना है। ये हम 15 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं कलर लगा के, और देन इसके बाद हमने चेक किया, ये देखिए
हमारा प्रॉपर जो है बॉयल्ड महोगनी कलर आ चुका है। देन हम करेंगे वॉश। अब हम करेंगे शैम्पू और कंडीशनर। कंडीशनर को कुछ टाइम के लिए रखेंगे 5 से 8 मिनट, देन हम बालों को अच्छे तरीके साथ ड्राई कर देंगे। ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, अब आपके सामने आएगा रिजल्ट जो हमने अचीव किया है। कितना प्यारा कलर आया है और बिल्कुल लाइन क्रिएट नहीं की हमने। ये किया है मैंने ओम्ब्रे प्लस बेलियास, बिकॉज इसमें लाइन बिल्कुल नहीं मैंने बननी थी। बहुत प्यारा कलर। तो कैसे लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज बेल आइकन दबाया होगा तो जो भी मैं वीडियो नहीं डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।